प्यारे बच्चों सुप्रभात। मैं मनदीप शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों अब तक हमने भाषा माधुरी तथा भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के तीन तीन पाठों को कर लिया है। पाठ चार केवल पढ़ने के लिए है इसलिए हम उसे छोड़ रहे हैं। आज हम भाषा माधुरी का पाठ पांच करेंगे जिसका नाम है बहादुर दोस्त। प्यारे बच्चों बहादुर उसे कहा जाता है जो हर मुसीबत का डटकर सामना करता है। इस पाठ में दीपक नाम का एक लड़का होता है जिसका दोस्त कोई व्यक्ति न होकर एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला होता है। और बच्चों पिल्ला किसे कहा जाता है? कुत्ते के बच्चे को। और आइए इस पाठ को पढ़कर देखते हैं कि एक कुत्ते का पिल्ला अपने दोस्त दीपक की सहायता किस प्रकार से करता है। दीपक का छठा जन्मदिन था और छठा शब्द का अर्थ होता है छह, अर्थात दीपक कितने साल का हो गया बच्चों? छह साल का। दीपक की अम्मा उसके जन्मदिन की खुशी में हलवा और पूरी बना रही थी, परंतु दीपक का ध्यान किस ओर था? वह यही सोचे जा रहा था कि उसके पिताजी उसके लिए क्या उपहार लेकर आएंगे। बच्चों उपहार शब्द का अर्थ होता है भेंट, जिसे हम गिफ्ट भी कहते हैं। तो जब शाम के समय दीपक के पिताजी घर आते हैं तो वे दीपक के हाथ में एक टोकरी थमा देते हैं। बच्चों उस टोकरी में क्या होता है? उस टोकरी में दीपक के पिताजी दीपक के लिए एक भूरे रंग का छोटा सा पिल्ला लेकर आते हैं। और पिल्ला शब्द का अर्थ होता है कुत्ते का बच्चा, जिसे देखकर दीपक बहुत खुश होता है और वह अपनी माँ से बोला, देखो अम्मा कितना सुंदर सा पिल्ला है, मैं तो इसका नाम लालू रखूंगा। दीपक लालू को बहुत चाहता था और लालू भी हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता। थोड़े ही दिनों में लालू खूब मोटा और बड़ा हो गया। एक रात की बात है कि अचानक लालू के गुर्राने से दीपक जाग गया। गुर्राना शब्द का अर्थ होता है कुत्ते की आवाज। और दीपक क्या देखता है कि लालू जोर जोर से दीपक की रजाई को अपने दांतों से खींच रहा है। दीपक चिल्लाया, क्या हुआ लालू, क्या हुआ? दीपक क्या देखता है कि एक चोर अपनी बगल में एक पोटली को दबाकर दरवाजे से बाहर की ओर भाग रहा है। बच्चों पोटली शब्द का अर्थ होता है छोटी सी थैली। और दीपक ने जल्दी से अपनी टॉर्च को उठाया और चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भाग गया। देखो बच्चों लालू के द्वारा दीपक की रजाई को खींचने पर दीपक नींद से जाग जाता है। और जब वह जागता है तो क्या देखता है कि एक चोर पोटली को दबाकर दरवाजे की ओर भाग रहा है। जब चोर दीपक और लालू को अपने पीछे आते देखता है तो वह घबरा जाता है। और पता है बच्चों चोर ने घबराकर क्या किया? वह घबराकर घर के पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इतने में दीपक के अम्मा और पिताजी भी वहां पहुंच जाते हैं। देखो बच्चों इस प्रकार से चोर घर के सामने एक पेड़ पर चढ़ जाता है और इतने में दीपक के अम्मा और पिताजी भी दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। शोर को सुनकर दीपक के पड़ोसी पुलिस वालों को अपने साथ लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले चोर को पेड़ से नीचे उतारते हैं और चोरी की गई पोटली को दीपक के पिताजी को वापस कर देते हैं। जाते समय सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई। बच्चों पीठ थपथपाने का अर्थ होता है शाबाशी देना। और वे पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि शाबाश
तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से लालू और दीपक ने बिना डरे चोर का सामना बहादुरी से किया, उसी प्रकार से हमें भी हर मुसीबत का सामना डटकर करना चाहिए। बच्चों, आपने इस पाठ से संबंधित कोई एक चित्र अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में बनाते हुए इस पाठ से संबंधित नए शब्द तथा शब्दार्थों को लिखना है तथा याद करना है। अगली वीडियो आपको बुधवार को भेजी जाएगी। तब तक आप अपना यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।